प्रायोरिटी थी मतलब सेफ्टी और बिल्ड क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट था. मतलब आजकल जो लोग गाड़ी ले रहे हैं फीचर वीचर के लिए ले रहे हैं, बट ये जो इंजन है मतलब एक बार चलाया फिर किसी और गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लेने का मन नहीं किया ऑनेस्टली बताऊँ तो. और चलाई भी थी, काफ़ी गाड़ी चलाई थी, बट ये चला के जो स्माइल आती मुँह पे वो इट इज़ अनमैच्ड. एंड एट दिस प्राइस सेगमेंट अभी सेडान वर्ल्ड मतलब अब धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है. मतलब SUV की तरफ ज़्यादा लोग जा रहे थे, बट लाइक मेरी पर्सनैलिटी टाइप थोड़ी सेडान वाली है एंड आई डिडंट प्रेफर SUV. थोड़ी हाई सीटेड है, ट्रक वाली फील आती है यार. मुझे थोड़ा स्पोर्टी टाइप का चाहिए था और 70% तो मैं ही चलाऊंगा, फैमिली वाले चलाने नहीं वाले. तो मुझे तो ऐसी मक्खन गाड़ी चाहिए थी जिसमें मतलब ऑटोमेटिक वॉज अ नीड, क्योंकि पैर में दर्द होने लगता है 2-3 साल बाद. यार 1.5 DSG में पहले उसमें कोई डिफरेंशिएटर नहीं है. मतलब आपकी नॉर्मल 1 लीटर DSG जा रही है, 1.5 जा रही है, सेम दिखती है. इसमें 1.5 DSG बिल्कुल अलग लेवल पे है. ये मतलब इन पर्सन देखोगे तभी समझ आएगा, फोटोज़ लाइक दे डोंट डू जस्टिस टू इट. बाकी मुझे 60,000 सस्ती मिली है 1.5 DSG स्लाविया से, उसमें प्राइस भी बहुत बढ़ गया है. तो ओवरऑल पैकेज बहुत सही मिल गया मुझे. GT की बैजिंग इधर है, साइड में है, उधर साइड में है. बाकी तो लुक्स बहुत किलर है, काफ़ी किलर. ये 20-22 लाख की गाड़ी लगती नहीं है अब. सेडान में तो मैंने सिटी हाइब्रिड बुक की थी. ओके. ADAS का मुझे भूत चढ़ गया था जब से XUV आई थी मार्केट में, बट वो भूत मतलब पिछले 5-6 महीने में उतर गया. वो इंडियन कंडीशंस में बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर पाएगा, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं होगा. बट सेडान में मैंने स्लाविया टेस्ट ड्राइव की थी, सिटी की थी. हाइब्रिड में दिक्कत ये था कि वैल्यू फॉर मनी नहीं लगी मुझे. मतलब 22 लाख 23 लाख 24 लाख ऑनरोड जा रहा है कहीं ना कहीं. आई नो रिलायबल है, बट DSG गियर बॉक्स मतलब क्या बोलूँगा मैं. ओल्ड स्कूल बोलूँगा तो बोलूँगा कि गियर वाला मुझे मैनुअल मिल जाता तो सही था, बट इसमें मिलता नहीं है. बट
ऑटोमेटिक आई एम हैप्पी. ये सब मेरे कजन्स हैं एक्सेप्ट हर. ये ऑफिस से छुट्टी लेके आई इंजॉय करने. वर्टूस में मतलब अपीयरेंस और माइक माइक इंटीरियर लोग काफी अच्छे लगे. जो रटा है वो तो बोल दे. मेरा क्या है, मेरा तो बस डिग्गी की स्पेस ज़्यादा, तो कोई बड़ी राइड्स वाइड्स पे जाएंगे तो काफ़ी कुछ फिट कर सकते हैं उसको. पहले वो लेने वाले थे पर उसकी वेटिंग लिस्ट थी ना पूरी स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर वाली नहीं तो इसीलिए रेड में आया. ऑल्ड वन आउट. कलर चॉइस में काफी मैटर. हाँ, व्हाइट और रेड में डिसाइड कर रहे थे. मतलब हम लोग काफी बट यूज थे ब्लू जीटी, व्हाइट जीटी या रेड जीटी. हां, हमें स्पोर्टी लुक चाहिए था. चार साल की स्टैंडर्ड वारंटी आती है, दो साल एक्सटेंडेड वारंटी ले लिया मैंने, फिर इनका सर्विस वैल्यू पैकेज वो भी ले रखा है, तो मैंने सब फुल्ली लोड करके पीस ऑफ माइंड में ले रहा हूँ. बाकी ये जो डीलर हैं अपने नोएडा के सेक्टर 6 के रमन जी, उन्होंने काफ़ी हेल्प किया. उन्होंने तो मुझे गेव मी इज वर्ड, सिंस पहली जीटी है यहाँ पे तो थोड़ा स्पेशल प्रेफरेंस तो देंगे. तो मैं कुछ भी गड़बड़ वड़बड़ होगी तो यहीं पे आके पटक दूंगा गाड़ी, सही करो अब भाई. अब तो यूट्यूब पे भी है तो आपको हेल्प तो करनी पड़ेगी. बहुत सही था. मतलब आई थिंक वी आर फर्स्ट जीटी ओनर्स दिल्ली एनसीआर में, सो आई मीन वी आर टोल्ड दैट. बट एक्सपीरियंस बहुत मक्खन था. आई बुक द कार अराउंड 1st March. आई थिंक जिस दिन खुली थी तभी बुक कर दी थी मैंने, तो तब से आई बीन फॉलोइंग अप विद देम. इन्होंने डिलीजेंटली हर हफ्ते मतलब इनको परेशान किया मैंने. हम यहाँ पे 2-3 बार टेस्ट ड्राइव लेने आ चुके हैं, अलग अलग गाड़ियों की भी ली है. कई बार बोर हो रहा था घर पे तब भी आ रहा था मैं, तब भी एंटरटेन कर रहे थे, फिर से आ गया यार ये. तो नाउ द डे हैज़ कम, फाइनली मिल भी गई हमें. और आप ये अगर यहाँ पे नोटिस बोर्ड देखोगे तो आई थिंक वी हैव गॉट लकी. तो चिल है. यस, वी गॉट सुपर लकी. फर्स्ट ट्रिप हमने प्लान करी है कि लद्दाख जाके आएंगे एक बार. पॉसिबिलिटी है, जा सकते हैं. अब बाकी भैया पे डिपेंड करेगा कहाँ लेके जाएंगे. आई थिंक ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाएंगे पहले. मेरी बाबा दादी काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे गाड़ी आ जाए गाड़ी आ जाए, तो वहाँ पे एक बार अटेंडेंस लगा के आ जाएंगे, फिर देखेंगे कहाँ भगानी है.